नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव 2019 का निर्णय आ गया है और इसके साथ ही बिहार में भी एनडीए ने अपनी जगह पक्की कर ली है। इस चुनाव के परिणाम में किसी को जीत मिली है तो किसी की हार हुई है। बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा बेगूसराय में भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह की जबरदस्त जीत हुई है। उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर 4 लाख से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज किया है। राजद प्रत्याशी तनवीर हसन इस सीट पर तीसरे स्थान पर है। भाजपा ने एक बार फिर पटना साहिब सीट पर जीत का परचम लहराया है एवं रविशंकर प्रसाद को सफलता मिली है। पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच मुकाबला में रामकृपाल ने बाजी मारी। वहीं एक नज़र हम डालेंगे बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर कि कौन से प्रत्याशी यहां चुनाव में जीत दर्ज किए हैं और किनकी हुई है हार। अगर बात करें तो अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने राजद प्रत्याशी सरफराज आलम को 1.37 लाख वोटों से हराया है। आरा की बात करें तो आरा से आरके सिंह ने सीपीआई प्रत्याशी राजू यादव को 1.18 लाख वोटों से हराया है। औरंगाबाद से भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद को 67,000 वोट से हराया है। बांका में जदयू के गिरधारी यादव, राजद के जयप्रकाश नारायण यादव को 1,91,000 वोटों से हराया है। बेगूसराय में भाजपा के गिरिराज सिंह ने कन्हैया को 4.20 लाख वोटों से हराया। तनवीर हसन तीसरे नंबर पर रहे। भागलपुर में जदयू के अजय कुमार मंडल ने राजद उम्मीदवार बुलो मंडल को 2.53 लाख वोटों से हराया। बक्सर से भाजपा प्रत्याशी अश्विनी चौबे ने राजद के जगदानंद सिंह को 1.15 लाख वोटों से हराया। दरभंगा से भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी को 2.68 लाख वोटों से हराया है। गोपालगंज से जदयू के आलोक कुमार सुमन ने राजद उम्मीदवार सुरेंद्र राम को 2.84 हजार वोटों से हराया है। हाजीपुर की बात करें तो लोजपा प्रत्याशी पशुपति कुमार पारस ने राजद के शिवचंद्र राम को 2.02 लाख वोटों से हराया है। वहीं अगर जहानाबाद की बात करें तो राजद उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव और जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद के बीच कांटे की टक्कर हुई। चंद्रेश्वर ने 1,112 वोट से जीत दर्ज की है। जमुई में लोजपा उम्मीदवार चिराग पासवान ने रालोसपा के भूदेव चौधरी को 2.40 लाख वोटों से हराया। झांझरपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल ने राजद उम्मीदवार गुलाब यादव को 3.21 लाख वोटों से हराया। काराकाट में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के महाबली सिंह ने 87,000 वोटों से हराया। कटिहार जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर को 58,000 वोटों से हराया। खगड़िया से लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर ने वीआईपी प्रत्याशी मुकेश सहनी को 2.04 लाख वोटों से हराया। किशनगंज कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जदयू के सैयद महमूद अशरफ को 34,000 वोट से हराया। वहीं अगर मधेपुरा की बात करें तो जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने शरद यादव को 2.74,000 वोटों से हराया। पप्पू यादव तीसरे नंबर पर रहे। मधुबनी की बात करें तो भाजपा के अशोक कुमार यादव ने वीआईपी के बद्री पूर्वे को 4.54 लाख वोटों से हराया। महाराजगंज में बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राजद प्रत्याशी रणधीर सिंह को 2.29 हजार वोटों से हराया। मुंगेर में जदयू के ललन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी को 1.39 लाख वोटों से हराया। मुजफ्फरपुर में भाजपा के अजय निषाद ने वीआईपी के राजभूषण चौधरी को 4.07 लाख वोट से हराया। नालंदा में जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने हम प्रत्याशी अशोक कुमार आजाद को 2.02 लाख वोट से हराया। नवादा में लोजपा के चंदन सिंह ने राजद प्रत्याशी विभा देवी को 1.32
1.47 लाख वोट से हराया। पश्चिम चंपारण में भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल ने रालोसपा के ब्रजेश कुमार कुशवाहा को 3.06 लाख वोट से हराया। पाटलिपुत्र में भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल ने मीसा भारती को 40,000 वोट से हराया। पटना साहिब में बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को 2.79 लाख वोट से हराया। पूर्णिया में जदयू के संतोष कुमार ने कांग्रेस के उदय सिंह को 2.63 लाख वोट से हराया। पूर्वी चंपारण में भाजपा के राधा मोहन सिंह ने रालोसपा उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह को 2.86 लाख वोट से हराया। समस्तीपुर में लोजपा के रामचंद्र पासवान ने कांग्रेस के अशोक कुमार को 2.51 वोट से हराया। सारण में भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने चंद्रिका राय को 1.36 लाख वोट से हराया। सासाराम में भाजपा के छेदी पासवान ने कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार को 1.66 लाख वोट से हराया। शिवहर में भाजपा के रामा देवी ने राजद प्रत्याशी फैजल अली को 3.34 लाख वोट से हराया। सीतामढ़ी में जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के अर्जुन राय को 2.5 लाख वोट से हराया। सिवान में जदयू की कविता सिंह ने राजद प्रत्याशी हिना सहाब को 2.16 लाख वोट से हराया। सुपौल में जदयू के दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन को 2.66 लाख वोट से हराया। उजियारपुर में भाजपा के नित्यानंद राय ने रालोसपा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को 2.75 लाख वोट से हराया। वैशाली में लोजपा की बीना देवी ने राजद प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह को 3.34 लाख वोट से हराया। वहीं वाल्मीकि नगर में जदयू के बैजनाथ प्रसाद महतो ने कांग्रेस के शाश्वत केदार को 3.53 लाख वोट से हराया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और